गोवा और केरल रह गए पीछे। ऋषिकेश बनादेश के एडवेंचर टूरिज्म का गढ़ पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड देश और दुनिया में अलग ही पहचान रखता है और अब उत्तराखंड में दिनों दिन बढ़ रही साहसिक पर्यटन की गतिविधियों पर केंद्र सरकार ने भी मोहर लगा दी है। देश भर में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में किए गए सर्वे में उत्तराखंड ने गोवा और केरल को पछाड़ते हुए पहले पायदान हासिल किया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने तीर्थ नगरी ऋषिकेश को साहसिक पर्यटन की राजधानी घोषित किया, जो प्रदेश के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। ऋषिकेश को मिले सबसे ज्यादा वोट। ऋषिकेश का नाम यूं तो देश विदेश में योग और तीर्थ नगर के रूप में विख्यात है, लेकिन अब इसे एडवेंचर टूरिज्म के कैपिटल के रूप में भी जाना जाएगी। दरअसल 2018 को भारत सरकार ने एडवेंचर टूरिज्म ईयर घोषित किया था और देश भर में किए गए सर्वे में ऋषिकेश को साहसिक खेलों की राजधानी के रूप में सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए। दूसरे और तीसरे नंबर पर गोवा केरल ऋषिकेश में सालों से राफ्टिंग होती आ रही है और अब बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग गतिविधियां भी शुरू हो चुकी है। पूरे प्रदेश को साहसिक पर्यटन का केंद्र पर्यटन मंत्रालय ने माना। एडवेंचर प्रेमियों की पसंद के मामले में गोवा दूसरे जबकि केरल तीसरे स्थान पर रहा। सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है और आगामी फरवरी महीने में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एशिया पैसिफिक ट्रेवल मार्ट पाटा का भी आयोजन किया जाना है, जो ऋषिकेश में 13 से 15 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। राफ्टिंग कारोबारियों की मेहनत का नतीजा ऋषिकेश कौडियाला राफ्टिंग जोन में हर साल बड़ी संख्या में देश और विदेश के सैलानी पहुँचते हैं। दरअसल 1980 के दशक में कुछ राफ्टिंग एक सपर्क ने गंगा की लहरों पर राफ्टिंग शुरू की थी। गंगा नदी के रैपिड और जल भराव के कारण धीरे धीरे ये क्षेत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। वर्तमान में राफ्टिंग की करीब 280 कंपनियां ऋषिकेश कौडियाला जोन में संचालित होती है। गंगा नदी राफ्टिंग रोटेशन समिति के अध्यक्ष दिनेश भट्ट ने कहा कि एडवेंचर कैपिटल का दर्जा हासिल होने के बाद से निश्चित रूप से पर्यटन कारोबार बढ़ेगा, लेकिन सरकार को भी इस ओर ध्यान देना होगा।